बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बन रही एक बिल्डिंग रविवार शाम अचानक गिर गई। इस दौरान यहां काम कर रहे 9 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं एक शख्स की तलाश अभी भी जारी है। यह बिल्डिंग 2 दिन पहले ही बननी शुरू हुई थी। गंगा शहर में पेट्रोल पंप के पास बनी इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पहले से बनी हुई थी। शनिवार रात से दूसरी मंजिल बनाने का काम चल रहा था। घटना के वक्त यहां 9 ही मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी मलबे में दब गए। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और दबे मजदूरों को बाहर निकालने की कशमकश शुरू की गई। इसके बाद गंगा शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को बाहर निकालकर पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। एक लापता मजदूर की तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में दबे एक मजदूर की तलाश लगातार जारी है।